हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हैं वेजिटेरियन पर्सन के लिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है पनीर। पनीर के आधा कप में कम से कम 21 ग्राम प्रोटीन होता है, 1.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और 300 कैलोरीज होती हैं। सोया चंक एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके एक कप में 25 ग्राम प्रोटीन, 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 152 कैलोरीज होती हैं। काबुली चना, जिसे हम चिकपीस भी कहते हैं, इसके आधा कप में 15 ग्राम प्रोटीन, 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 250 कैलोरीज होती हैं। राजमा या किडनी बीन्स बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। आधा कप राजमा में 10 ग्राम प्रोटीन, 24 ग्राम कार्ब और 135 कैलोरीज होती हैं। दाल स्प्राउट बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है। 5 ग्राम प्रोटीन होता है, 5 ग्राम कार्ब होता है और 31 कैलोरीज होती है इसके एक कप क्वांटिटी में। दाल मूंग मसूर या अरहर, इसके आधा कप में 9 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 21 ग्राम ऑफ कार्ब और 134 कैलोरीज के करीब होती हैं। मिक्स्ड सीड्स या ड्राई फ्रूट, इसके 1/4 कप में 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 15 ग्राम ऑफ कार्ब और 150 के करीब कैलोरीज होती हैं। बाजरा या मिलेट्स, जैसे रागी, ज्वार, अमरनाथ, इसके एक कप में 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 140 ग्राम ऑफ कार्ब और 200 कैलोरीज होती हैं। हरे मटर या ग्रीन पीस, इसके एक कप में 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 23 ग्राम ऑफ कार्ब और 145 कैलोरीज होती हैं। मिल्क या दूध, इसके एक ग्लास में 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 11 ग्राम ऑफ कार्ब और 120 कैलोरीज होती हैं। पालक लोएस्ट इन कैलोरीज होता है। इसके 100 ग्राम कुक्ड पालक में 8 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 4 ग्राम ऑफ कार्ब और 75 कैलोरीज होती हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।